तो कढ़ाई पनीर को हम सर्व कर लेते हैं एक सर्विस डिश में, और थोड़ी क्रीम की गार्निशिंग कर लेते हैं, थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा अदरक के लच्छे और थोड़ा पनीर ग्रेट कर लेते हैं। अच्छा, कढ़ाई पनीर हो चुका है रेडी। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ कढ़ाई पनीर की रेसिपी। तो चलो दिखाता हूँ आपको मैं कढ़ाई पनीर कैसे बनाते हैं। आपने कढ़ाई पनीर बहुत से रेस्टोरेंट में होटलों में खाया होगा, तो आज आपको लाइव दिखाते हैं कढ़ाई पनीर कैसे बनता है और कढ़ाई पनीर में हम क्या क्या मसाले यूज करते हैं, क्या क्या ग्रेवी यूज करते हैं। तो चलो मिलते हैं वीडियो में। और इसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर करना ना भूले। तो चलो मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमको किन किन मीजा की जरूरत पड़ती है वो आपको मैं दिखाता हूँ। और ये हमारी येलो ग्रेवी बनी हुई है, हम जिसको वेज ग्रेवी बोलते हैं, और ये हमारी टमाटर ग्रेवी है, और ये हमारा चौप मसाला, और ये हमने पनीर काट के रखा हुआ है, बट हम कढ़ाई पनीर में ये वाला पनीर यूज़ नहीं करेंगे। और ये हमारा जूलियन अदरक है, और ये चॉप कोरिएंडर है, ये अमूल बटर है, ये अमूल क्रीम है, और ये चॉप गार्लिक है, ये चॉप ग्रीन चिल्ली है, ये चॉप जिंजर है, और हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ले रखा है, और गार्निशिंग के लिए रोगन रखा हुआ है। अब आते हैं मसालादानी पे हमारा नमक है, देगी मिर्च है, कसूरी मेथी है, और धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, किचन किंग है, और जीरा पाउडर है, ठीक है। और ये हमारी कढ़ाई पनीर की कटिंग है, ने कैप्सिकम काट रखा है, ऑनियन काट रखा है, और टमाटो काट रखा है, और ये कढ़ाई पनीर के पीस है फिंगर कटिंग में। तो चलो चलते हैं कढ़ाई पनीर, तो बनाते हैं हम कढ़ाई पनीर। सबसे पहले कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हम एक साफ पैन ले लेंगे, और उस पर डालेंगे हम 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, और उसके बाद आगे की प्रोसेस में आपको बताता रहूँगा। और सबसे पहले रिफाइंड ऑयल डालने के बाद मैं डालूँगा इसमें 2 रेड चिल्ली होल मीडियम साइज, और थोड़ा सा डालूँगा मैं होल कोरिएंडर, और थोड़ा सा डालूँगा चॉप गार्लिक, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा, थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली चॉप, ठीक है। तो इसको अच्छे से सौते कर लेंगे हम, हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगा जो मैंने कढ़ाई पनीर की कटिंग काट के रखी हुई है, कैप्सिकम ऑनियन एंड टमाटो, ठीक है। इसको भी मैं अच्छे से सौते कर लूँगा, ज़्यादा नहीं हमको इसको ज़्यादा नहीं गलाना है, हल्का क्रंच रखना है इस पर, जो कि खाने में हल्का कढ़ाई पनीर में क्रंचपन आना चाहिए। तो ठीक है, ये मैंने सौते कर लिया है, ज़्यादा नहीं करना है, इतना ही करना है आपको। अब मैं इसमें डालूँगा देगी मिर्च, थोड़ी सी देगी मिर्च, देख सकते हो आप, जो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा देगी मिर्च का, और थोड़ी सी हल्दी, हल्दी और देगी मिर्च का जो कलर इसमें आएगा बहुत ही अच्छा कलर आएगा, देख सकते हो आप, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इनका। अब मैं इसमें ग्रेवी ऐड करूँगा, सबसे पहले मैं इसमें ग्रेवी ऐड करूँगा टमाटो ग्रेवी, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और अब मैं डालूँगा बेज ग्रेवी, बेज ग्रेवी की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हो। अब आता है इसमें चॉप मसाला, चॉप मसाला भी मैंने ऐड कर दिया। अब तीनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो भी मैंने इसमें ग्रेवी ऐड की सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेता हूँ इससे, जो कि और अच्छे से पक जाएगा, ठीक है। अब आती है इसमें मसाले डालने की बारी, थोड़ा सा मैं नमक डालूंगा इसमें स्वादानुसार, और थोड़ा सा देगी मिर्च 1 पिंच के करीब, और थोड़ी कस्तूरी मेथी 1 पिंच, सारा मैं 1 पिंच 1 पिंच लूँगा, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा किचन किंग, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगा चॉप अदरक जो मैंने पहले से काट के रखी हुई है, और थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर चॉप। तो चलो अब मैं इसमें हल्का पानी और ऐड कर लेता हूँ, जो कि जो इसमें मैंने मसाला डाला वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और थोड़े अच्छे से पक जाएंगे, ठीक है। देख सकते हो फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लो, देखो कढ़ाई पनीर बनके हमारा लगभग रेडी हो चुका है, देख सकते हो आप कितने फटाफट हम कढ़ाई पनीर बना लेते हैं आला काट भी इस पर। अब मैं इसमें पनीर ऐड कर लेता हूँ, समथिंग 100 से 110 ग्राम के बीच, मैंने यहाँ पे 6 पीस कर रखे हैं, 100 ग्राम पनीर ले रहा हूँ मैं, और पनीर को भी अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे, जो ग्रेवी का रस होगा वो भी थोड़ा पनीर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब मैं इसमें थोड़ा अमूल बटर और थोड़ा अमूल क्रीम ऐड कर लूँगा, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगा, ठीक है। ये देखो अच्छे से मिक्स कर लेना इसको भी। तो कढ़ाई पनीर बनके हमारा लगभग रेडी हो चुका है, अब आती है इसको सर्व करने की बारी। तो सर्व अभी करूँगा, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और छूट रहा है,
हल्का सा रोगन ऐड करूंगा मैं इसमें, क्योंकि इसका जो कलर होता है ना रोगन का, बहुत ही अच्छा निकल के आता है, देख सकते हो आप। अब मैं इसको सर्व करता हूँ एक सर्विस डिश में। ये देखो कढ़ाई पनीर का कलर कलर देख सकते हो आप, कितना प्यारा आ रखा है, न ज़्यादा रेड न ज़्यादा येलो, बिल्कुल गोल्डन कलर आ रखा है, ये देखो। तो कढ़ाई पनीर बन के हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी गार्निशिंग कर देता हूँ। गार्निशिंग में थोड़ा मैं क्रीम लूँगा और थोड़ा सा चॉप हरा धनिया और बारीक अदरक के कटे हुए लच्छे जूलियन में। तो फ्रेंड डिश बन के हो चुकी रेडी। तो कढ़ाई पनीर की रेसिपी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।